सबके सामने मेरे इंस्ट्रो आपके पास रेडी है। मैंने कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट किया? मैंने एमए किया, मैंने बीए किया और एपी लेके आता है मदर। For the board of thanks, here is an announcement that is all the participants. After the program's gate concluded, here is a refreshment for you all. So after the program's gate, on the Himan Sagar district officer, NYKA Upper Supervisory. With our today's chief guest, our Dr. M.Q. Kanser is also joining, and Director of for me because of his dedicated and we don't have. मैंने सबसे पहले तो अनुशासन के बारे में सिखाया, बोला, गालियाँ दी, क्योंकि मीटिंग में भी डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, डिसेंसी मेंटेन करना है। अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको अनुशासन मानना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा अनुशासन कम था, इसलिए मैंने गालियाँ दी। अनुशासन सीखो, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़वाना है, और अरुणाचल का फ्यूचर भविष्य बहुत ब्राइट है। हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटिस के लिए और विशेषकर अरुणाचल के लिए इतना पर्सनल ध्यान दे रहे हैं, और राज्य में हमारा जो पेमाबाई सरकार, उन्होंने स्टेट को एक टोटल एक ट्रांसपेरेंट सरकार यहाँ आज चला रहे हैं। तो उनको इनकरेज करना चाहिए, ना कि केवल हर समय हम निगेटिव बातें करते रहेंगे, वो गलत कर रहा है, उसको ये करो वो करो। तो समटाइम्स यू हैव टू एडमिट द ट्रूथ ऑल्सो। तो हर समय हम अच्छा, कोई अच्छा काम करते हुए क्यों देख नहीं सकते? जो अच्छा काम करा उसको शाबाशी देना है, खराब काम कर, ठीक है, डेमोक्रेसी में आपका अधिकार है, यू कैन अपोज, यू कैन प्रोटेस्ट, बट देर आर वेज फॉर देट। केवल हम लोग ब्लाइंडली बोलते रहेंगे, नहीं ये गलत है वो गलत है, तो गलत है तो किस बात के लिए गलत है? वो तो बताना चाहिए ना, आप इसमें इस काम में गलत है, व्हाट इज देन, इफ गलत हो रहा है तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, कैसा समाधान हो सकता है, वो तो बताना पड़ेगा। केवल गालियां देते रहेंगे वो तो सही नहीं है। ये चीज़ें हमने बच्चों को, हमने जितना पार्टिसिपेंट्स को समझाया है, और ये नेहरू युवा केंद्र संगठन का जो भी समस्या, मैं उनको बोला हूँ, रीजनल डायरेक्टर को आप मुझे दे दीजिएगा, मैं मंत्री के साथ बात करके, मंत्रालय में बात करके मैं मदद करने की कोशिश करूँगा। और उनका, उसके, उस संगठन के द्वारा जो भी कार्यक्रम चला रहे हैं, उसका जो है फायदा लोगों को, बेनिफिट्स को उठाना चाहिए हमारे बच्चों का। डिस्ट्रिक्ट युवा उत्सव हैज बीन कंडक्टेड इन ऑल अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स इन द अर्ली एक्सरसाइज, एंड टुडे वी आर हियर टू कंडक्ट स्टेट लेवल युवा उत्सव, where the winners from all the districts of Arunachal will be competing tomorrow. So in this initiative, Honorable Member of Parliament has extended his cooperation, and he has inaugurated a function, and also Dr. M.Q. Kanji, he has taken the main role in providing logistic and all his manpower to carry out this event in the DNGC College Auditorium. We are really happy, and he has been extended his cooperation since beginning, and hopefully
the competition even will be completed by tomorrow in a smooth manner. The competitors are two winners from in some discipline, but the competition on cultural group dance is one each from the district where NYK is existed in Arunachal, and this is a part of the celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav India at 2047, where our Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, has called upon us to take up national development activities in various fields. कितना कैंडिडेट्स लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए, और क्या क्या एक्टिविटीज हैं आप लोगों को? ओवरऑल द एक्टिविटीज इज ऑन इसे कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, फोटोग्राफी, declamation contest and group folk dance competition. We are focusing on 5 events only, and the winners will be nominated to represent the state in the month of December. के negativity से दूर positivity के पास आए और अपने आप को सही दिशा दिखाए, जो हमारे कंट्री का अभी सपना है कि 2047 तक एक विकसित भारत का, वो सपना तभी साकार होगा जब युवा वर्ग सशक्त होगा, और युवा वर्ग सशक्त, यूथ्स एम्पावरमेंट की दिशा में ये युवा उत्सव जो हमारे नेहरू युवा केंद्र इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड डेरा नातुंग कॉलेज आज बहुत भव्य आयोजन किया, जिसमें सारे स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेंट्स आए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कल इनका कंपटीशन होगा, डिक्लामेशन कंपटीशन, पोएट्री कंपटीशन अंडर द कैप्शन यंग राइटर्स कंटेस्ट के अंतर्गत, और यंग आर्टिस्ट कंटेस्ट के अंतर्गत ये होगा पेंटिंग कंपटीशन। सारे का वेन्यू डेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर है। नेहरू युवा केंद्र ने इस कॉलेज को इसलिए चुना कि ये बाइंडिंग है कि युवा उत्सव जब भी होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होगा, और ये बहुत ही बड़ा कॉलेज, अपने यहाँ से 5000 स्टूडेंट्स हैं, एनरोल्ड हैं। तो हमारा मैसेज तो युवा वर्ग को यही है कि अपने आप को सही रास्ते पे, सही दिशा में ले जाएं, और ऑल इल्स एंड ईविल से अपने को प्रोटेक्ट करें, और अपना गोल सेट करें ऑनेस्टी के साथ, करेज, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, पैट्रियोटिज्म के साथ। तो आज नॉर्थ ईस्ट के जो यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के बच्चे, वो किसी से कम नहीं है, जाकर देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं, मेडल्स जीत रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन हासिल कर रहे हैं। ये तभी संभव हो रहा है जब ये पूरी लगन से, और जैसे कहा जाता है लेबर बीज गोल्डन फ्रूट, परिश्रम का फल मीठा होता है, तो वो परिश्रम के फल को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना होगा इनको। अगर जिसमें टैलेंट है खेल कूद में, वो खेल कूद में आगे बढ़े, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम में, कल कल्चरल कंटेस्ट भी है ग्रुप इवेंट का, ग्रुप डांस, तो उसमें अगर हैं इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, उसमें रुचि है, तो उसी को नर्चर करें। अगर किसी को पढ़ाई में दिलचस्पी है, पढ़ाई में आगे बढ़े, किसी को सिंगिंग में, सिंगिंग में आगे बढ़े, कोई क्रिकेट में, कोई बैडमिंटन में, फुटबॉल में, आज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, करियर की कमी नहीं है और सुविधाओं की भी कमी नहीं है। अभी देखो, देखते देखते हम लोगों को कभी लग नहीं रहा था कि ईटानगर में भी एयरपोर्ट बनेगा, आखिर एयरपोर्ट आ गया, बन गया, डेवलपमेंट हुआ, रेलवेज़ भी 8-9 साल पहले आ गई, ट्रेन आ रही है, और सारी फैसिलिटीज़ जो अभी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि हम नहीं कहेंगे कि हम रिमोट एरिया में हैं, हम वंचित हैं, हम आइसोलेटेड इसमें हैं। एक क्लिक पर आपको सब कुछ मौजूद है गूगल में,
और मैं ये कहूँगा युवा वर्ग को कि निगेटिविटी की तरफ नहीं जाएं, किसी भी चीज़ की अच्छाई देखें, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है उसकी तरफ देखें। अगर मान लो 100 में 1-2 बुरा हो गया तो अब उसी में चिपक कर अपना डिस्ट्रैक्शन या उसमें अपने आप को डाइग्रेस नहीं करना है, वो अच्छाई देखना है, पॉजिटिविटी देखना है, ब्राइट साइड देखना है और अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की ओर काम करना है, उसमें लगन होना चाहिए। यही हमारा युवा वर्ग से मैसेज है। एक्चुअली इसके लिए तो गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन भी। हम एज प्रिंसिपल ऑफ देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर, हम हर प्रोग्राम में, हमारे यहाँ जितना भी प्रोग्राम होता है उसमें मैं इस बात को रखता हूँ और अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ। हमारे कॉलेज में ड्रग एडिक्ट नहीं है, लेकिन जो जहाँ भी हों, हमारे 5,000 जो स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज में इनरोल्ड हैं, तो उनसे मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपके आसपास, जैसा कि आज आपने सुना होगा, आज भी मैंने कहा इन लोगों को जो भी आए हैं पार्टिसिपेंट डिस्ट्रिक्ट से, कि तुम्हारे आसपास अगर कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई भी पड़ोसी अगर फिसल गया रास्ते से, ड्रग एडिक्शन की लत लग गई, उससे नफरत नहीं करना है, उससे घृणा नहीं करना, उससे डिस्टेंस नहीं करना, लोग उसके दिल की बात सुनो कि क्यों वो ड्रग लेना आरंभ किया, कभी नेगलेक्टेड फील किया परिवार से, पेरेंट्स से टाइम नहीं मिला, कि ड्रॉप आउट्स हुआ स्कूल से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर रहती है। अगर उनसे मिलकर बात करें तो एक हीलिंग टच देना है, उसको प्यार से जीतना है, प्यार से बात करनी है, बताना है कि ये इस रास्ते पे जो चल जाओगे, ड्रग तो तुम्हारे तनाव को, स्ट्रेस को कम नहीं करेगा ना, ये तो तुम्हारी ज़िंदगी को खा देगा, बर्बाद कर देगा, प्रीमैच्योर डेथ होगा, तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे, गोल से भटक जाओगे। तो पहले तो ड्रग छोड़ने के लिए उसको दिल जीतो, ड्रग एडिक्ट्स का उनकी प्रॉब्लम्स को जानो। कभी कभी हम बात करते हैं, मैं खुद भी बात करता हूँ, तो जो ड्रग एडिक्ट होता है बेचारा बहुत रोने लगता है, बाहर से जहाँ भी आता है वो कहता है कि हमारे माँ को हमारे लिए समय नहीं, हमारे पिताजी को हमारे लिए समय नहीं, हमारा तिरस्कार होता है, हमको नेगलेक्ट किया जाता है, हमसे लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, कोई हमसे बात करने वाला नहीं। तो कम से कम जो सर्किल, ये हालांकि वाइसस सर्किल है, वो जो ड्रग के बहाने। दूसरी बात ये है, हम सब का ये जिम्मेदारी है, नॉट ओनली गवर्नमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का, कि अगर कोई ड्रग पेडलर है, जो सप्लायर है या ड्रग लाकर बेच रहा है, उसके अगेंस्ट कंप्लेन करें, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें। ये होना चाहिए टू मेक अरुणाचल प्रदेश ड्रग फ्री स्टेट, ये बहुत ज़रूरी है। क्या क्या कार्यक्रम है अभी? ये स्टेट लेवल युवा उत्सव जो 24 और 25 तारीख को आयोजन होना है, इसमें 5 कार्यक्रम हैं: यंग आर्टिस्ट कॉन्टेस्ट, यंग पोएट्री कॉन्टेस्ट, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, मोबाइल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट और एक कल्चरल ग्रुप डांस। तो कल सुबह 8 बजे से DNGC कॉलेज ऑडिटोरियम में ये 5 कॉन्टेस्ट होंगे। कितना दिन का? एक दिन का ही प्रोग्राम है ये। कैसा रहेगा पार्टिसिपेंट्स वगैरह का, क्या तैयारी? पार्टिसिपेंट्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विनर्स थे पहले 2023 के मार्च से लेकर अब तक, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल युवा उत्सव ऑर्गेनाइज किया था नेहरू युवा केंद्र ने, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विनर से अब उनको स्टेट लेवल पे बुलाया जा रहा है। स्टेट लेवल के बाद यहाँ से जो जीतेगा फिर इसको नेशनल लेवल पे लिया जाएगा, नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर के सामने नेशनल लेवल युवा उत्सव होएगा।